यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो यार फिलहाल इस 3 स्टार से मैंने एक और अकाउंट से रैंक पर स्टार्ट किया। करंट रैंक अभी 1700 या 1800 के बीच में कुछ चल रहा है। बाकी आपका रैंक एंड टीयर अभी क्या चल रहा है कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर से कर लेना। अब यार हैकर्स तो गेम में काफी कम आ रहे हैं, बाई चांस अगर कोई हैकर गेम में आ भी जाता है तो यार ओला भी बैन हो जा रहा है। लेकिन अब यार सोलो में काफी ज्यादा लोग भाई टीम अप करके खेल रहे हैं। नॉर्मली आपने 2 या 3 बंदे देख रखे होंगे साथ में टीम अप करते हुए, लेकिन यार ये वाले गेम में भाई टोटल 8 बंदे टीम अप करके खेल रहे थे, जिसमें से 6 बंदे एक साइड पे थे और 2 बंदे दूसरी साइड पे टीम अप करके खेल रहे थे। अब यार मेरे को तो ये समझ नहीं आता मतलब सोलो में टीम अप करके खेलने की क्या जरूरत है। अगर यार आपके पास टीममेट्स है तो जाके भाई डुओ या फिर स्क्वाड में ट्राई करो, ऐसे भाई सोलो में टीम अप करके खेल लोगे तो क्या ही फायदा है। अब यार यहाँ पे एक बंदा बोल्ट एक्शन से एक टीम अप वाले बंदे को मार देता है, अगर आपको भी अगर कोई बंदा टीम अप करके मारता है तो उस बंदे को रिपोर्ट जोर से कर दिया करो। टीमर्स के लिए एक अलग सा ऑप्शन रहता है रिपोर्ट मारने का, क्योंकि यार ये बंदे यार ऐसे नहीं मारने का। अगर एक आधे बंदे की आईडी में 10 साल का बैन लगेगा तब जाके ये बंदे टीम अप करना बंद करेंगे। फिलहाल यार यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे एक बंदा है जिसको की राइट साइड से कोई और बंदा भी फिनिश कर देता है। अब यार यहाँ पे टोटल 6 बंदे लाइफ थे, जिसमें से 4 बंदे तो यहाँ पे थे और बाकी के 2 बंदे नीचे साइड पे कंपाउंड पे थे, और यार वो दोनों बंदे भी टीम अप करके खेल रहे थे। अब यार यहाँ पे वाले बंदे नीचे वाले बंदों को फिनिश कर देते हैं। अब यार यहाँ पे मतलब 4 बंदों की खुशी देख लो एक बार, मतलब यार सोलो में 4 बंदे टीम अप करके एक अकेले बंदे को मार रहे हैं, फिर भाई खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं भाई क्या ही कर दिया। बाकी यार छोड़ो ज्यादा क्या ही बोलने जैसों को। तो यार फिलहाल ये वाले गेम प्ले की बात कर लेते हैं। यार ये वाले गेम में अभी जोन काफी मतलब खतरनाक सा बन रखा था। अब यार यहाँ पे मेरे को ज्यादा कुछ खास आइडिया लग नहीं रहा था कि यार ये वाला जोन पानी के ऊपर वाली साइड आने वाला है या फिर पानी के नीचे साइड जाएगा, तो फिलहाल यहाँ पे मैं जोन बनने का वेट करता हूँ अभी के लिए। तो ये वाला जोन जो था पानी के नीचे वाली साइड को जाता हुआ मेरे को दिख गया, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले जोन के अंदर मैं चल लेता हूँ। अब यार सामने वाले कंपाउंड से मेरे को पता था पहले से ये बंदे रहेंगे, तो अभी के लिए ये वाली जगह जोन के अंदर थी तो यहीं पे आके मैं होल्ड करता हूँ। तो अभी यार उतने में अभी राइट साइड में एक बंदा कोई ग्रोरा से फिनिश करता है। अब यार यहाँ पे जो बंदा फिनिश हुआ था उसकी तो मेरे को सामने क्रेट दिख गई थी, तो ये वाला बंदा मैं समझ गया था ब्रिज के शायद से नीचे वाली साइड पे बैठ रखा है। उतने में यार एक बंदे का अपने जस्ट नीचे मेरे को पानी में तैरने का साउंड आ रहा था, तो ये वाले बंदे का मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा था मे बी ये बंदा बाहर निकलने का ट्राई कर सकता है। लेकिन यार यहाँ पे एक बंदा काफी दूर से अपने को डैमेज देता है और ये वाला बंदा भी अपनी बग्गी का टायर भी फोड़ देगा। अब यार बग्गी तो अपनी जा चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि यार ये वाला बंदा भी अपने को डैमेज नहीं दे पा रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड में एक मैं कोपन में बंदा तो स्पॉट होता है, लेकिन यार अभी के लिए ये वाले बंदे में मैं शॉट्स लेने का ट्राई नहीं करता क्योंकि मेरे को पता था अगर यहाँ पे मैंने मिस किया फिर ये वाला बंदा अपने को दिक्कत दे देगा। फिलहाल यहाँ पे मैं जोन बनने का वेट कर लेता हूँ। अब यार यहाँ पे जो जोन शिफ्ट होता है ना, तो ये वाला जोन अभी मोस्टली पानी के ऊपर वाली साइड को वापस चला गया था। अब यार लेफ्ट साइड में जो बंदा था उसका मेरे को अभी के लिए कुछ आइडिया लग नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक डार्सिया थी, मैंने सोचा ये वाली डार्सिया उठाने का ट्राई करता हूँ, तभी मेरे को सामने की साइड पर ये वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो यार ये वाले बंदे को तो अभी इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए सीन ऐसा था कि यार जोन के बाहर से अभी मैं ऊपर वाली साइड तो जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे मैं सोचा कि डार्सिया लेके अभी डायरेक्ट मैं पानी के अंदर चलता हूँ, क्योंकि यार अभी के लिए जोन देख के तो मेरे को ये लग रहा था कि यार लास्ट वाला जोन पानी के ऊपर वाली साइड पे ही जाएगा। अब यार यहाँ पे ऊपर वाली साइड से एक बंदा भी अपने को हल्का सा डैमेज दे देता है। फिलहाल यहाँ पे मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ के थोड़ा बहुत हील करने का ट्राई करता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट कर रहा था। उतने पीछे वाली साइड पे अभी 2 बंदों की फाइट हो रही थी। अब यार यहाँ पे किल फिर नोटिस करना, पीछे वाली साइड पे 2 बंदों की फाइट होती है और दूसरा वाला बंदा जो था वो जोन से फिनिश हो जाता है। अब यार यहाँ पे मेरा जोन में जान जाता है, तो जोन जो था पानी के नीचे वाली साइड को बन गया था। अब यार यहाँ पे टोटल 3 बंदे लाइव थे, एक बंदा ऊपर साइड पे स्कारल वाला था, एक बंदा यार यहाँ पे जोन के अंदर स्मोक वगैरह करके बैठा हुआ था, और तीसरे बंदे की लोकेशन का फिलहाल के लिए मेरे को ज्यादा कुछ खास आइडिया था नहीं। लेकिन यार यहाँ पे जो तीसरा बंदा था राइट साइड में बाइजन से जो स्कारल वाला बंदा था उसको फिनिश कर देता है। अब यार यहाँ पे ये जो बंदा था ये तो जोन के बाहर था, इसको अभी पानी से क्रॉस करके इस साइड आना ही था। फिलहाल यार ये वाला बंदा मेरे को राइट साइड में पत्थर के पास लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है।
अब यार यहाँ पे ये वाले बंदे को तो जैसे जैसे फिनिश कर दिया, लास्ट वाला बंदा मेरे को पता था अपने पीछे साइड पे कहीं पे, लेकिन यार यहाँ पे अपनी हेल्थ काफी लो थी और यार सामने वाला बंदा भी थोड़ा यहाँ पे मतलब मासूम सा था, वो अपने को हील करने का टाइम दे देता है। तो यार ये वाला बंदा तो सामने एकदम प्यार से लेट रखा था, फिलहाल के लिए ये वाले गेम में अपने को 17 का प्लस मिल गया था। तो भी यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले में। तो यार ये वाले गेम में किस्मत अपनी थोड़ी अच्छी थी, अपने को फ्लेयर गन मिल गई थी, तो यहाँ पे फ्लेयर गन से मैंने BRDM मंगवा लिया था। तो यार यहाँ पे जोन के अंदर मार रहा था, उतने में लेफ्ट साइड में ऊपर मेरे को एक BRDM स्पॉट होता है और नीचे वाली साइड पे एक ओपन में बंदा भी था। तो यार ये बंदा यहाँ पे ऊपर वाले बंदे पे शॉट्स लेने का ट्राई कर रहा था, फिलहाल के लिए ये बंदे को तो इजी यहाँ पे फिनिश कर दिया फिलहाल अभी के लिए। इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, तो अभी यहाँ पे जोन तो शिफ्ट हो जाता, लेकिन अभी सामने वाली साइड में एक BRDM वाले बंदे के और ऊपर साइड पे एक गाड़ी वाला बंदा था, दोनों बंदों की फाइट वाइट हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर में बंदों की फाइट देखता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे अपने राइट साइड में भी एक गाड़ी थी, अब ये वाली जगह पे मेरे को पता था नहीं कोई बंदा है या नहीं, फिलहाल जोन अभी स्टार्ट होने वाला था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अभी आगे जाने का मैं ट्राई करता हूँ। अब यार ये वाली गाड़ी के पास मैं चेक करता हूँ, लेफ्ट साइड में एक क्रेट मेरे को दिख जाती है, तो ये वाला बंदा तो मैं समझ गया था पहले फिनिश हो गया। फिलहाल अभी यार यहाँ पे मैं जोन के अंदर जा ही रहा था, तभी मेरे को राइट साइड में एक और BRDM स्पॉट होता है, लेकिन यार ये वाला बंदा ओपन में भाग के आ रहा था, तो मेरे को लगा मे बी मेरे BRDM पे डैमेज दे सकता है, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं सोचा पहले जोन में निकलता हूँ। तो यार फिलहाल यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था, इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, लेकिन अभी अपने ऊपर वाली साइड पे दो BRDM और थे। और यहाँ पे मैं सोचा कि थोड़ा ऊपर वाली साइड पे चलता हूँ, ये बंदों से थोड़ा बात बात करने का ट्राई करेंगे। तो यार यहाँ पे ऐसा था कि BRDM था अपने पास, तो थोड़ा मैं चिल होकर खेल रहा था, क्योंकि BRDM रहता है तो यार मतलब कोई बंदा ऐसे सरप्राइज करके अपने को नहीं मारेगा और यार हार्ट अटैक के चांस काफ़ी कम होते हैं। ये भाई कोडर हुआ, कौन सा टैंक में बैठा है भाई, पहला वाला या लास्ट वाला? मैं तो बीच वाला में हूँ। सही है सही है। अब यार ये वाले बंदे से थोड़ी बहुत मैं बात बात कर ही रहा था, उतने में अपने सामने साइड पे स्मोक के आसपास एक बंदा था, तो ये बंदा पहले तो एक मॉली ट्राई करता है, इसके बाद अपनी साइड को एक नेड करता है। अब यार ये वाला बंदा यहाँ पे फायर करके अपने BRDM को और ज़्यादा डैमेज कर सकता था, तो अभी ये वाला बंदा भी निकल जाता है, तो यहाँ पे इसके पीछे पीछे मैं भी जोन की साइड थोड़ा निकल जाता हूँ। तो यार यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था, अभी सामने वाले पत्थर पे एक बग्गी स्पॉट होती है और यहाँ पे एक बंदा भी लेट रखा था। तो यार ये वाले बंदे को तो एकदम इजी यहाँ पे BRDM से फिनिश कर दिया, फिलहाल के लिए ये वाली जगह अपने के लिए सेफ थी, तो यहीं पे रुक के मैं होल्ड करता हूँ। तो यार ये वाला जोन भी अभी क्लोजिंग होने वाला था, उतने में अभी पीछे वाली साइड से एक और मेरे को BRDM का साउंड आता है और उसके पीछे एक बंदा भी ओपन से भागता हुआ आ रहा था। अब यार यहाँ पे पीछे साइड पे जो बंदा था उस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, लास्ट में ये वाला बंदा उसको फिनिश उठा लेता है, और ये वाले बंदे को भी यार काफ़ी सारा डैमेज दिया था, लेकिन यार ये बंदा भी बच के BRDM के अंदर जा चुका था। इसके बाद यार वापस ये बंदा थोड़ा नीचे वाली साइड को उतरता है, तो मैं सोचा इस पे शॉट्स लेने का ट्राई करूँ। अब यार ये बंदा यहाँ पे जोन में निकल रहा था, तो मैं सोच रहा था थोड़े बहुत इसके BRDM को डैमेज दे देता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेता क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, क्या बात अपने आसपास ही कोई बंदा लेट रखा हो। फिलहाल अभी के लिए जोन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो अपने को भी जोन के अंदर तो जाना ही था। तो यार यहाँ पे अपने सामने वाली साइड पे एक BRDM था, और अभी BRDM के पास एक और गाड़ी में आके बंदा रुक जाता है। तो यार ये वाला बंदा भी एकदम इजी यहाँ पे BRDM से फिनिश हो गया, फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा था कि यार ये वाला BRDM में भी एक बंदा बैठ रखा है, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो यार ये वाला BRDM तो पहले किसी बंदे ने फोड़ दिया था। तो भी यार यहाँ पे मेरे को छोड़ के तीन बंदे और लाइफ थे, तो एक बंदा तो राइट साइड से UMP चला रहा था, एक बंदा BRDM के पीछे साइड पे लेट रखा था जिसको कि लेफ्ट साइड से कोई और बंदा फिनिश कर देता है। यार यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला बंदा मेरे को हल्का सा ऊपर वाली साइड पे स्पॉट तो हो गया था, तो मैं सोचा रैंडम फायर लेने का ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पे बंदे को डैमेज तो नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे को पता था ये वाला बंदा भी स्मोक वगैरह करके BRDM लेने का ट्राई करेगा, तो पहले ये वाला BRDM में फोड़ देता हूँ। फिलहाल यार यहाँ पे अपने को भी हल्का सा भी जोन के अंदर जाना ही था।
अब यार यहाँ पे जोन के अंदर तो मैं आ चुका था, तो लेफ्ट साइड पे बंदा था ये तो लेफ्ट वाले पेड़ में मेरे को स्पॉट हो गया था, उतने में जो राइट साइड पे बंदा था वो भी मेरे को राइट साइड में ऊपर में स्पॉट हो जाता है। अब यार यहाँ पे इन दोनों बंदों की मैं फाइट होने का वेट कर रहा था, लेकिन उतने में जो ऊपर साइड पे बंदा था अपने पे नेड मोली वगैरह ट्राई करता है। अब यार यहाँ पे अपने BRDM की HP काफी ज्यादा लो थी तो मैं जल्दी से बाहर निकल के आ गया। अब यार यहाँ पे राइट साइड वाले बंदे को तो ये वाला बंदा नेट से फिनिश कर देता है। और यार ये वाला बंदा भी लास्ट में एकदम इजी नेट से फिनिश हो गया, बाकी ये वाले गेम में अपने को 28 का प्लस मिल गया था। तो यार रात तक केस 4 स्टार तो मैं लगा दूंगा और कल का अपना ट्राई रहने वाला है कॉन्करर का। बाकी यार आप में से जो लोग अभी ASP 100 पॉइंट क्राउन वाले के लिए, 200 एंड डायमंड वालों के लिए 300 पॉइंट का आपका कल का टारगेट रहने वाला है। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ आपको लाल वाला बटन दबाना है। बाकी आपका करंट रैंक एंड टियर अभी क्या चल रहा है कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।